आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर का रुख करते हैं। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईपीएस अधिकारी को भारी पड़ा दिन में शराब पीना। हटाए गए शाहपुरा के एसपी कृष्ण चंद यादव। पुलिस मुख्यालय को लगातार मिल रही थी इस तरह की शिकायतें कि एसपी कृष्ण चंद यादव कार्यालय समय में रहते हैं, शराब का सेवन करते हैं। इस तरह की गंभीर शिकायतों के बाद पीएचक्यू ने चुनाव आयोग को भेजा था पूरा मामला और चुनाव आयोग की अनुमति के बाद शाहपुरा एसपी कृष्ण चंद यादव एपीओ कर दिए गए और उसकी जो आदेश है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए। शिवेंद्र, एसपी एक ऐसी कद, एक ऐसा पद, एक ऐसी पोजीशन जहां दिन में क्या रात में भी शराब नहीं पिए तो अच्छा, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। ऐसे में अगर दिन में ही शराब पी जाए तो कार्रवाई होनी थी। ये बहुत बड़ी खबर है विजेंद्र ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि हाल फिलहाल के सालों में इस कारण से किसी जिले के एसपी को हटा दिया जाए कि वो दिन में शराब पीता है। ये हमने इस तरह की खबरें सुनी है, इसमें भी कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी और वो भी जिनके पास एक जिले की कमान हो, वो अगर दिन में शराब पिए कार्यालय के समय में, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना गंभीर मामला है। और कृष्णचंद्र यादव जो कि कुछ दिन पहले ही शाहपुरा के एसपी लगाए गए थे, हाल ही में प्रमोट हुए हैं, आरपीएस से आईपीएस बने हैं, उनके बारे में लगातार ही विजेंद्र से मिल रही थी पुलिस हेडक्वार्टर को कि वो कार्यालय के समय में शराब पीते हैं, शराब के नशे में रहते हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इन शिकायतों का गोपनीय तरीके से सत्यापन भी कराया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिकायतों के आधार पर ही जो पुलिस मुख्यालय है उसने पूरा मामला चुनाव आयोग को भेजा हो, इसका बकायदा सत्यापन कराया गया और पीएचक्यू सत्यापन में सही पाया गया कि कृष्णचंद्र यादव जिनमें शराब के नशे में रहते हैं। और जैसी पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से हमें जानकारी मिली है, इस सत्यापन के बाद पूरा जो मामला है वो चुनाव आयोग को भेजा गया कि एक जिले के एसपी हैं वो शराब के नशे में रहते हैं दिन में, और उसके बाद चुनाव आयोग ने अनुमति दी कि हाँ उनको एपीओ किया जा सकता है और इसके बाद उनको तुरंत प्रभाव से एपीओ किया गया है। बिल्कुल शिवेंद्र, एक या दो दिन इस तरीके की घटना पर ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एसपी साहब अल्कोहल के एडिक्ट रहे हैं और इसलिए बार बार शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई? और क्या पीएचक्यू एपीओ करने के साथ नशा मुक्ति केंद्र भी उनको भेजने की व्यवस्था करेगा? देखिए, जाहिर तौर पर दिन में शराब का सेवन कर रहे हैं तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप शराब के आदी हैं। और एक खास बात और है विजेंद्र, हम थोड़ी देर में स्क्रीन पर भी दिखाएंगे कि जिस समय कृष्णचंद्र यादव की पोस्टिंग हुई थी शाहपुरा में, उस समय भी फर्स्ट इंडिया ने उनकी पोस्टिंग पर आश्चर्य जताया था और ये पूछा था कि आखिर कृष्णचंद्र यादव को शाहपुरा में पोस्टिंग क्यों दे दी, क्योंकि कृष्णचंद्र यादव एडिशनल एसपी रहते भी विवादों में रह चुके हैं। जिन एसपी के अंडर में कृष्णचंद्र यादव एडिशनल एसपी रहे हैं, उन एसपी से मेरी बात हुई है, उन एसपी ने भी उस समय पर आश्चर्य जताया था कि इनको कैसे जिले में कमान दे दी, क्योंकि वो अक्सर उनके बारे में चर्चा है महकमे में कि वो दिन में शराब के नशे में रहते हैं। और खुद पुलिस मुख्यालय को अगर ये लिखना पड़े चुनाव आयोग को कि हमारा एक एसपी शराब पी के आता है कार्यालय में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विचित्र स्थिति है। हाँ, उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, इसके बारे में हम पूछेंगे जो पुलिस के बड़े अधिकारी उनसे, लेकिन ये सही है कि स्ट्रिक्ट एक्शन है। और एक बार फिर मुख्यालय ने संदेश दिया है कि अनुशासन पहली शर्त है पुलिस में नौकरी करने की, चाहे आप आईपीएस हो, आरपीएस हो, इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो। ठीक, शिवेंद्र शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।